नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। जैसा होए मन वैसा होए तन, यानी सौंदर्य मन का होता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वही हमारे आउटर बॉडी पर भी झलकने लगते हैं। हमारा मन कैसा है उस पर निर्भर करता है कि हम बाहर से भी कैसे दिखते हैं। ये सत्य है, लेकिन साथ में ये भी सत्य है कि आपको यदि अपने आप को फिट रखना है, आपको अपने आप को खूबसूरत रखना है, तो आपको नियमित रूप से योगाभ्यास करना होगा। शरीर के धरातल पर फिर भी हम थोड़ी बहुत कसरत कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग योगाभ्यास भी करते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे के लिए कुछ नहीं करते। और ख़ास तौर पर आजकल के युवाओं में हम ये देख रहे हैं कि आयु से पहले चेहरे पर रिंकल्स हो जाना एक बहुत आम समस्या हो गई है। हाँ, उम्र के साथ हम इन झुर्रियों को, इन रिंकल्स को एंजॉय करें, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर उम्र से पहले ये रिंकल्स या झुर्रियाँ हमारे चेहरे पर आ रही हैं तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, एंड इट सिंपली इंडिकेट्स दैट यू आर नॉट लिविंग अ हेल्दी लाइफ। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि अगर आप एम्पल स्लीप नहीं लेते, एम्पल स्लीप से मेरा अर्थ क्वांटिटी ऑफ स्लीप से बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट क्वालिटी ऑफ स्लीप से है, यानी आप अच्छी गहरी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपके चेहरे पर डेफिनेटली झुर्रियाँ आती हैं, क्योंकि एक तो उन गैजेट से निकलने वाली वेव्स भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं, साथ में जो पॉस्चर हम रखते हैं मोबाइल यूज़ करते हुए वो हमारी स्किन लटकने लगती है उससे, और हमारी स्किन पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। तीसरी चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करते हैं उनके चेहरे पर भी उम्र से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो मेकअप अप्लाई करते हैं और फिर उसे अच्छे से रिमूव भी नहीं करते तो भी चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियाँ आने का। हार्मोनल डिस्टर्बेंस से भी ऐसा होता है, लेकिन कारण कुछ भी हो निवारण योग में छुपा है। मैं आपको बताऊंगी वो आसान सी योग की क्रियाएं जो आप नियमित रूप से करेंगे अपने फेशियल झुर्रियों को, रिंकल्स को गुड बाय कहने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि आज हम आपको सिर्फ फेशियल एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप योगाभ्यास, फुल योगाभ्यास नहीं करेंगे। यानी आप वॉक ज़रूर करें, आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास ज़रूर करें, आप प्राणायाम ज़रूर करें, बिकॉज ये नेचुरली आपकी स्किन को यूथफुल रखता है। पर इसके साथ साथ माथा, आँखें, नाक, आपके स्माइल रिंकल्स जिन्हें हम कहते हैं, यानी होठों के आसपास की स्किन, आपके चीक्स और आपका गला, नेक तक, माथे से नेक तक की एक्सरसाइजेज क्या हैं जो आप करेंगे रिंकल्स को बाय कहने के लिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फोरहेड से, यानी आपके माथे से। अक्सर बहुत सारे लोग अलग अलग एक्सप्रेशंस में, यानी सबका अलग अलग एक्सप्रेशन, बट अपना एक्सप्रेशन एक ही एक्सप्रेशन में पूरा लाइफ निकाल देते हैं। कोई गुस्से में है तो वो पूरा टाइम ऐसे ही रहता है, कोई अगर इस तरह से रहता है तो वो ऐसे ही रहता है। यानी हम अपने फेस को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देते, खासतौर पे जो क्लासिकल डांसर्स हैं वो फिर भी अपने फेस को काफ़ी एक्सरसाइज देते हैं, और इसीलिए शास्त्रीय नृत्य को हमारी संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले हम फोरहेड से शुरू करते हैं, यानी आप जब इन क्रियाओं का अभ्यास करें ध्यान रहे कि आपकी कमर सीधी रहे, गर्दन को आगे की ओर करके नहीं, इस स्थिति में रह करके करें, और अपने माथे को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन 10 बार। फिर आ जाते हैं हम आँखों पर, तो अपनी दोनों उंगलियों से एक उंगली बिल्कुल जहाँ से आपकी आँखें शुरू हो रही हैं नाक के पास, और एक जहाँ एंड हो रही है यहाँ पर, और यहाँ से स्ट्रेच, और इसको आप आँख बंद करके भी कर सकते हैं, स्ट्रेच एंड रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स 10 बार आप ऐसा करेंगे। लेकिन दोनों उंगलियों पर हमने कहीं भी अपनी स्किन पर प्रेशर नहीं डाला है, सिर्फ उनको रखा है। तीसरे अभ्यास में आप साइड से अपनी आंखों को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, एंड डाउन, स्ट्रेच एंड डाउन, स्ट्रेच एंड डाउन, ऐसा करेंगे। फिर हम आ जाते हैं अपनी नासिका पर, यानी नोज पर। तो जिस तरह से हम नाक को सिकोड़ लेते हैं वैसे करना, रिलैक्स, दस बार। देन योर लिप्स एरिया, तो 10 बार आप एंड बैक, फिर आपकी यहां पर जो रिंकल्स पड़ जाते हैं उनके लिए आप स्माइल करेंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक
जब आप वापस आएंगे तो आपको अपने होठों के आसपास की स्किन को सिकोड़ करके नज़दीक लाना है। देखिए कैसे करेंगे इसे। दस बार ऐसा करें और फिर आप अपने चीक्स पर आ जाएंगे। जिस तरह से हम बचपन में गालों में हवा को भरते थे और फिर हम उसको फिश कहते थे कि हम मछली जैसी आकार बना रहे हैं, वो स्थिति में आपको आना है। यानी दस बार ऐसा पूरा उसको फुलाना, पूरा पिचकाना। इससे आपके चीक्स पर होने वाले रिंकल्स से आप दूर रह सकते हैं। और अंत में हम आ जाते हैं अपने नेक एरिया पर। इसके लिए आप इस तरह से बैठेंगे और पूरा इसे स्ट्रेच करना, रिलैक्स। दस बार ही ऐसा करेंगे। तो माथे से लेकर के नेक तक की ये एक्सरसाइजेज आप सुबह और शाम दो बार कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो आप दिन में एक बार भी कर सकते हैं। पर अति सर्वत्र वर्जित, ऐसा नहीं सोचना कि अरे तो बैठे बैठे करना है तो हम दिन में कई बार ऐसा कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अति नहीं करना है, दिन में दो बार करिए या दिन में एक बार करिए, दो से ज़्यादा बार करने की आवश्यकता नहीं है। दस दस बार इन क्रियाओं को करिए और जाने से पहले हमारे कुछ घरेलू नुस्खे ज़रूर लेते जाएँ। आपको एक सिंपल सा काम करना है जिसे ऑयल पुलिंग कहते हैं। यानी जब आप सुबह सोकर के उठते हैं तो पहले तो आपने गुनगुना पानी पिया, फिर आप फ्रेश हो गए। उसके बाद आप एक चम्मच तेल लीजिए, प्रेफरेबली नारियल का तेल अगर शुद्ध है आपके पास, वरना आप जैतून का यानी ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। एक चम्मच तेल लीजिए और अपने मुँह में भर लीजिए उसे, और भरने के बाद उस तेल को मुंह में रखे रखे 15 मिनट तक उस तेल को मुंह में आपको रोटेट करना है। यानी कि ऑयल को मुंह में लिया और इस तरह से सर्कुलर क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसको अप एंड डाउन, यानी अलग अलग मूवमेंट्स में आप इसको 10 से 15 मिनट मुंह में रख के रोटेट करेंगे। बेस्ट ये होता है, व्हाट आई डू, आपने इसको मुंह में लिया और उसके बाद आप वॉक पर चले जाइए। 15 मिनट आप अपने ऑयल पुलिंग भी करते रहेंगे, वॉक भी करते रहेंगे, तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। ऑयल पुलिंग एक ट्रेडिशनल तरीका है जो हमारे शरीर का जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म नहीं होने देता। तो सिर्फ झुर्रियाँ ही नहीं, स्किन से संबंधित, और सिर्फ फेशियल स्किन ही नहीं, पूरे बॉडी की स्किन से संबंधित कोई भी समस्या हो, ये बहुत लाभकारी होता है। इसको आप नियमित रूप से करिए, एक हफ्ते में ही आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। साथ में ये ध्यान रहे कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखिए। पहला काम, पानी खूब पीजिए। हम बार बार ये बात कहते हैं पर यकीन मानिए हम सबको पता है पानी पीना चाहिए, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। इसलिए रिमाइंड कराइए अपने आप को दैट आई हैव टू ड्रिंक वाटर। जितना संभव हो पानी पीजिए। रात को सोने से पहले अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करें। बेटर हो अगर आपके पास विटामिन ई है तो विटामिन ई ले लीजिए। अगर आपको एलोवेरा सूट करता है, बहुत सारे लोगों को एलोवेरा सूट नहीं करता, तो एलोवेरा को कट कीजिए और उससे अपने चेहरे पर अप्लाई करके 10 मिनट लगा रहने दीजिए, मुंह धो लीजिए। अगर विटामिन ई है तो विटामिन ई ले करके हल्का सा पानी ले लीजिए और इस तरह से अपने चेहरे पर मसाज करके ओवरनाइट विटामिन ई को लगा रहने दीजिए। तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखेगा। आप अपनी डाइट में दूध खूब पिए, देसी घी ज़रूर ऐड कीजिए। एक मिथ हो गया है कि नहीं नहीं हम घी नहीं खाते हैं, हम दूध नहीं पीते, हम मलाई नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपका देसी बटर है, देसी घी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्केट बटर, आपकी अपनी गाय, अपना घी, मक्खन जो आप घर पर बनाते हैं उसका सेवन कीजिए, वो बहुत बहुत आवश्यक है। देसी घी, गाय का देसी घी खाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सिर्फ स्किन के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। प्रकृति के साथ समय ज़रूर बिताइए और झुर्रियों को गुड बाय कहने के लिए सन लाइट में ज़रूर बैठिए। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.